वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों पीआईएल से क्या क्या हो सकता है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पीआईएल का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए जनहित याचिका होता है, ठीक है, कोर्ट की भाषा में जनहित याचिका होता है। जनहित याचिका आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित लगा सकते हो, चाहे सिविल मैटर हो, चाहे जो है क्रिमिनल मैटर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी मुद्दों से रिलेटेड आप पीआईएल लगा सकते हो, जनहित याचिका लगा सकते हो। तो दोस्तों पीआईएल का ही ये यहाँ पर ये आदेश है कोर्ट का, जिससे कंप्यूटर शिक्षकों की ये भर्ती जो है आने वाली है, ठीक है, मतलब आई तो नहीं है लेकिन आने वाली है। इसका ये मान के चलिए 90% यहाँ पर कन्फर्म हो गया है कि कंप्यूटर शिक्षक की जो है राजस्थान सरकार को वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसी पीआईएल का हवाला देते हुए मैं आपसे बोलता हूँ सेनेटर इंस्पेक्टर स्टूडेंटों से कि आप सब भी जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आरटीआई लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत जल्द जो है अपन इसमें जो है बड़े स्तर पर जो है तैयारी करने वाले पीआईएल लगाने के लिए, या तो हाईकोर्ट में लगाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तभी जो है आपके लिए आने वाले टाइम पे सेनेटर इंस्पेक्टर की भर्ती के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। नहीं तो ये राज्य सरकार हुई चाहे केंद्र सरकार हुई, ये आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकालने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर पीआईएल का हवाला देते हुए मैं ये आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूँ, ठीक है। आगामी सत्र से पहले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के आदेश, ठीक है, ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए, जयपुर बेंच ने दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो आगामी सत्र से पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करें। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि भर्ती के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की याचिका पर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती के नियम ड्राफ्ट रूल में रहे या अंतिम रूप में अगले सत्र से पहले कंप्यूटर शिक्षक पद पर नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को कंप्यूटर शिक्षा मिल सके। याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कंप्यूटर शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने और भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अब तक न तो नियम बनाए गए और ना ही अलग से कैडर बनाया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति करने के लिए नियमों का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। इस पर अदालत ने अगले सत्र से पहले शिक्षक नियुक्ति के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के करीब 15,000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी पद जो है शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। तो दोस्तों देख लीजिए ये पीआईएल का ही कारनामा है जिससे आदेश हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट से कि अगले सत्र से पहले जो है आपको ये भर्ती कंप्लीट करनी है, ये जारी करनी है और कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगले सत्र से पहले जो है सभी सरकारी स्कूलों में जो है कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ, पहले आप जो है रिक्त पदों की जानकारी हासिल कर लीजिए। जोधपुर में कितने पद जो है रिक्त पड़े हैं, जयपुर में कितने पड़े हैं और कोटा में कितने पड़े हैं, उसके अलावा बीकानेर भरतपुर में कितने पद खाली पड़े हैं, अजमेर में, इन सभी नगर निगम में, नगर परिषद में और नगर पालिकाओं में कितने पद खाली पड़े हैं, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ इंस्पेक्टर, चाहे मलेरिया इंस्पेक्टर के हो। अपने पहले पदों में यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना, राजस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से ही वैकेंसी आती है नगर निगम में, और ये जो है हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से नहीं आती है, ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, ठीक है, ना मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आती है, ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आती है, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के सारे पद, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के सभी पदों की जो है आप जानकारी हासिल कर लीजिए, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है अपन इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टली इस बार कार्रवाई करने वाले हैं, पीआईएल लगाने वाले हैं, ठीक है, ताकि वैकेंसी आ सके। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती के लिए पूछते रहते हैं तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद की स्वीकृति पड़ी हुई है, ठीक है, और उस पर वैकेंसीज नहीं आ रही है, डीले कर रही है सरकार, बार बार डीले कर रही है, फायरमैन की वैकेंसीज को भी डीले कर रही है, तो इन सभी वैकेंसीज पर जो है एक पीआईएल बनती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे करते करते सरकार ने जो है एक साल बर्बाद कर दिया है स्टूडेंटों का। एक साल से जो है स्टूडेंट बेरोजगारी चल रहे हैं, अब सरकार को जो है सबक सिखाने का टाइम आ गया है, सबक सिखाना पड़ेगा, उसके लिए जो है अपने को भी पीआईएल लगानी पड़ेगी कि इतने पद खाली पड़े हैं, इससे जो है
है नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के जो काम है वो ठप पड़ रहे हैं, इससे आम जनता को जो है परेशानी हो रही है। ठीक है, तो लोक हित में ही जो है PIL लगाई जाती है और लोक हित के लिए जो है ये PIL लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तभी जो है आपका काम बन सकता है और पब्लिक का काम भी बन सकता है। ठीक है, पब्लिक को भी जो है परेशानी ना झेलनी पड़ेगी और आपको भी जो है बेरोजगारी ना झेलनी पड़ेगी। उसके लिए जो है आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और PIL में मैं आपको बता दूँ एडवोकेट की फीस भी ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम जो है आपके 50,000 के अंडर जो है राजस्थान में ये केस लग सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अंडर 50,000 में, लेकिन अगर इससे भी अच्छा वकील करना है तो उसकी फीस थोड़ी ऊपर नीचे 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ एक मंच पे आइए, एकजुट हो जाइए, तभी जो है आपके लिए ये काम आसान होगा, किसी पे ज़्यादा भार भी नहीं आएगा, 1,000-1,500 रुपये में आपका काम बन सकता है। ठीक है, अगर आप 1,000-1,000 रुपये भी देते हैं और 100 स्टूडेंट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत पैसे हो जाते हैं दोस्तों। आपको किसी के अड्डो खाने की ज़रूरत नहीं है, 1,000-1,000 रुपये में आप कंगाल भी नहीं हो जाओगे। ठीक है, या बिल्कुल गरीब नहीं हो जाओगे कि ज़िंदगी में कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों इतना सा कष्ट करिएगा, आपसे किसी को कमेंट करके ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। किसी के सामने जो है आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने जो है आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी का एक जो है ये हवाला दिया है मैंने, ठीक है, और इसी का जो है आप ये लेटेस्ट देख सकते हो, एक और आदेश जो है लेटेस्ट हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट का आदेश है 5 अप्रैल तक शपथ पत्र दे 15,000 सरकारी स्कूल में आगामी सत्र तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करें। जयपुर से यह न्यूज है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 15,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती न होने पर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करें। CJ इंद्रजीत महंती और जस्टिस SK शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश डॉक्टर चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। AG MS सिंघवी ने कहा है कि भर्ती के नियम बनाए जा रहे हैं, इस पर अदालत ने उन्हें कहा है कि वे इस संबंध में आगामी सुनवाई 5 अप्रैल से पहले अपना शपथ पत्र पेश कर दें। कोर्ट बोला, सरकार 2 साल से बार बार हमारे आदेश नज़रअंदाज कर रही है। 7 जनवरी 2021 तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रीमती मंजू राजपाल को तलब कर कैडर बनाने के आदेश दिए थे। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर जो प्रमुख सचिव है, ठीक है, भर्ती गए तो उनको तलब किया गया, तलब करके उनको आदेश दिया गया कैडर बनाने का। ठीक है, 16 सितंबर 2020 को कोर्ट ने 4 हफ्ते के में नियम बनाने के आदेश दिए थे, पालना नहीं हुई। राजस्थान के 15,000 सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती के ऊपर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जो है सभी स्टेट में ये वैकेंसीज आना स्टार्ट हो, तो इसके लिए जो है हर स्टेट के स्टूडेंट को जो है अब अपने हक के लिए जो है PIL लगाना ही पड़ेगा। RTI लगाओ, पहले RTI लगा कर जो है आप खाली पदों की जानकारी ले लीजिए। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, पिछले जो है 1.5 साल से यही कह रहा हूँ, आप जो है किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो सभी स्टेट में जो है आप अपने स्टेट अपने सभी स्टेट की जो जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के RTI आप लगाइए और खाली पदों का जो है विवरण आप जान लीजिए। ठीक है, अभी जैसे कि बिहार में आप सबको पता है 5,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त पड़ गए हैं, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व ऑफिसर और सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और भी अदर पद, सारे पदों पर जो है स्वीकृति पड़ी है, लेकिन वहाँ की सरकार जो है वैकेंसी निकालने के लिए तैयार नहीं है और पुरानी भर्ती जो है उस पर ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बिहार के सारे स्टूडेंट से जो है यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा, ठीक है, वह सभी जो है PIL बहुत जल्द लगा दे। अभी कोरोना काल में लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा उनको, क्योंकि अभी कोरोना काल में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसका हवाला देते हुए पुराने स्टूडेंटों को जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल सकती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की पुरानी वैकेंसी में, और नई भर्ती आने के लिए भी आदेश एंड टू एंड हो सकते हैं। तो दोस्तों मौके पर चौका मारिए और जल्दी से जो है ये वैकेंसीज लाने के लिए PIL लगा दीजिए। मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, बिहार के स्टूडेंटों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर जो है आगे से गाइड कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप पूछते रहो कमेंट में कि जो ज्वाइनिंग कब देंगे, ज्वाइनिंग कब देंगे, ज्वाइनिंग कब देंगे। जब राज्य सरकार सो करके उठ जाएंगी कुंभकर्ण की नींद, तभी जो है आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप PIL लगाइए, पहले जो है BR से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि BR में जो है पुरानी वैकेंसीज में ज्वाइनिंग बाकी है, साथ में जो है आपके वहाँ पर ड्राफ्ट रूल भी पड़े हैं, आपके पास इतने पास स्वीकृत पड़े हैं और इतने पे जो है इनको भर्ती करनी की पड़नी है। तो सबसे पहले आप BR से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप BR से स्टार्ट नहीं होता है तो इसकी पहल जो है राजस्थान से सबसे पहले हम इसकी नींव रखेंगे स्टार्ट करने की। मेरे को ज़्यादा नहीं 100 बच्चों का साथ चाहिए, 100 बच्चों का। ठीक है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा, बस आप 100 बच्चे साथ हो जाइए। और आपसे ज़्यादा नहीं मांगता मैं, 10,000, 15,000, 20,000 नहीं बोलता मैं आपसे, सिर्फ 1,000-1,000 रुपये आप अपनी जेब में रखिए,
ठीक है, और सीधा जो है अपन वकील से मिलेंगे, वकील से मिल करके आप अपन सब जो है एक साथ फेस टू फेस इस मैटर पे बात करेंगे, ठीक है, और सभी के सामने होगी बात, अकेला पर्सन कोई नहीं करेगा, सबके सामने बात होगी, ठीक है, वकील की बात जो है सबके सामने होगी और सब एग्री होंगे, उसी के बाद जो है एडवोकेट को फीस देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या कितनी क्या फीस मांगता है, ठीक है, ये तो मैं आपको एक अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है, तो वकील जो फीस बताएगा वो उसका अपने को समझ में आएगा तभी अपन जो है वकील हायर करेंगे, और हो सकता है उससे भी अच्छे वकील जो है हायर करने की अपन ऊपर नीचे जो है एक राय ले करके कर सकें, ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा अपने को, और हज़ार हज़ार रुपये में कोई बर्बाद नहीं होगा दोस्तों, ये आपके फ्यूचर का भविष्य है, नहीं तो वैसे आपको पता है 20-20 साल लग जाते हैं सेनेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आने में, तो आपको ही ये पहल करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं आपको आगे से गाइड कर सकता हूँ और आपको जो है एडवोकेट जो है वो दिखा सकता हूँ, कौन सा एडवोकेट जो है राजस्थान में अच्छा है, ठीक है, और किसके पास जो है आपको ये केस करना चाहिए, तो मैं आपके लिए 2-3 दिन जो है दे सकता हूँ, जैसे ही कोविड-19 ये ख़त्म होता है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो 2-3 दिन के अंदर आप डिसीजन कर लेना, उस टाइम पे मैं आपको टाइम और समय बता दूंगा, और इसमें जो है बहुत जल्द जो है अब आप PI लगा दीजिएगा, क्योंकि जो है पुरानी भर्ती वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें थोड़ा बहुत जो रह रहा होगा कोर्ट का तो वो हो जाएगी, वो भी हो जाएगी और नई भर्ती भी निकालनी ही पड़ेगी सरकार को, तो ये कोरोना काल में ज़्यादा दबाव रहेगा सरकार के ऊपर, आपकी बात को सुनने के लिए जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अभी कोरोना काल में, अगर इस मैटर पर सुनवाई होती है तो मैं यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द जो है PI लगाई जाए, किसी भी स्टेट का मैटर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे UP का हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली का हो, तो स्टार्ट कब करना चाहते हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।